हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बेसिक ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो वी हैव टू राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे लिख सकते हैं? द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई। द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई। तो पहले हम इसका सम लिख लेंगे। सम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को पहले प्लस कर रहे हैं, देन द सम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई। ये जो हमारा सम आया, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वाई में से। सो दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई, वाई माइनस एक्स प्लस वाई। सेकेंड, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। हाफ ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। प्रोडक्ट ऑल्सो सिग्निफाई मल्टीप्लीकेशन। सो द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए बी। सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ ए बी। थर्ड, नंबर्स एक्स एंड वाई आर बोथ स्क्वायर्ड एंड मल्टीप्लाई बाई थ्री। जो एक्स और वाई दोनों नंबर्स हैं, उन दोनों को स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नंबर्स एक्स एंड वाई आर बोथ स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय थ्री, और इन दोनों को हमने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ थ्री टाइम्स ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो पहले तो ये है, थ्री टाइम्स ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, थ्री टाइम्स ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसमें से? फ्रॉम द सम ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर and the product of 4 and c, sum of b square and the product of 4 and c, 4 or c ka product. To 3a ko b square plus 4c se subtract kar rahe hain. Chaliye, second question, write all the terms of the following algebraic expressions. To hume in teenon algebraic expressions ki sari terms likhni hai. Is algebraic expression mein hamari terms kya hain? दो टर्म्स हैं हमारे पास, 3xy, 4x square, यही दो टर्म्स हैं। बी पार्ट में तीन टर्म्स हैं, 8xy, 4x एंड द थर्ड टर्म इज -7। सी पार्ट में कितनी टर्म्स हैं हमारे पास? 1, 2, 3 एंड 4, फोर टर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं? 9a स्क्वायर पहली, सेकेंड इज 3b स्क्वायर, थर्ड इज -12ab, फोर्थ इज 4m। तो ये चार टर्म्स हैं हमारी इस पार्ट में। नाउ फैक्टर्स ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स के हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो ये सेम एक्सप्रेशन है, टर्म्स हमने लिख ली थी, अब डायरेक्ट फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 9a स्क्वायर, 9 का एलसीएम, 3 3 9, 3 1 3, तो 3 × 3 इज 9, 2a है, सो a इंटू ए। नाउ फैक्टर्स ऑफ 3b स्क्वायर, 3bb. फैक्टर्स ऑफ -12ab, 12 का एलसीएम लेंगे, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, सो 2 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 1 -9, सो -1 × 2 × 2 × 3 एंड देन a × b. नाउ फैक्टर्स ऑफ 4mn, 4 का एलसीएम, 2 × 2, देन mn. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच केस। कोफिशिएंट ऑफ x, x के अलावा सब कुछ, सो 6y इस केस में। कोफिशिएंट ऑफ x, अब कौन सी टर्म देखेंगे? जिस टर्म में x वेरिएबल है, यहां पर x ही नहीं है, कोफिशिएंट भी नहीं होगा। x यहाँ पे 2x है, x की पावर 2, तो
एक एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स चाहिए हमें, तो इसके क्या क्या बचा, थ्री, एक एक्स हट गया कोफिशियंट उसका, एक एक्स एंड वाई। इस केस में कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स वाली टर्म देखेंगे पहले। अब इसमें एक्स के अलावा क्या है, जब कुछ नहीं लिखा तो वन मेंशन रहता है, वन इंटू एक्स इज एक्स, सो कोफिशियंट ऑफ एक्स इन दिस केस इज माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। हमें इस एक्सप्रेशन में से लाइक टर्म्स ढूंढनी है, दैट मीन्स द टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स। अब यहाँ पहली टर्म हमारी कैसी है, x वेरिएबल की, 7x, तो क्या x वाली टर्म्स हमारे पास और है, y, z, x है, कांस्टेंट नहीं देखते हैं, बस वेरिएबल x, इसमें भी x है। अब इस वाली में x और y दोनों है, तो x के साथ x, y लाइक टर्म नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव 7x एंड माइनस 4x एज लाइक टर्म्स, ये दो टर्म्स हमारी लाइक टर्म्स हैं। अब नेक्स्ट वाई, वाई वाली कोई टर्म नहीं है, जेड वाली नहीं है, एक्स वाई वाली भी नहीं है, सो इस एक्सप्रेशन में से हमारे पास बस 7x और माइनस 4x, ये दो लाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट ए वेरिएबल के साथ और कोई टर्म नहीं है, सो लेट्स लीव इट। नाउ इसमें बी, क्या बी वेरिएबल वाली वाली कोई और टर्म है, यस बी, सो माइनस 2b एंड 7b आर लाइक टर्म्स, माइनस 2b, 7b एंड एक ये पेयर हुआ लाइक टर्म्स का। और सी, क्या सी वाली कोई टर्म है, यस, सो 3c एंड माइनस 2/5c, सेकेंड पेयर हो गया लाइक टर्म्स का, 3c माइनस 2/5c। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट 4 नहीं है। नाउ एक्स स्क्वायर वाई, क्या एक्स स्क्वायर वाई वाली कोई और टर्म है, नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और कहीं एक्स स्क्वायर वाई नहीं है। नेक्स्ट एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर ये भी सेम है, एक्स जेड स्क्वायर, सो 3xz² एंड z² x आर द लाइक टर्म्स, 3xz² एंड z² x। नेक्स्ट एक्स वाई स्क्वायर, क्या एक्स वाई स्क्वायर और कहीं है, दिस वाई स्क्वायर एक्स ये भी सेम है, एक एक्स इधर भी एक एक्स, यहाँ दो वाई है, यहाँ भी दो वाई है, सो सेकेंड पेयर ऑफ लाइक टर्म्स इज 5xy² एंड माइनस 15y² x। नेक्स्ट क्लासीफाई एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। सो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारी कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है, एंड द एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल, सो दिस इज आवर बाइनोमियल। वन टर्म मोनोमियल, वन टू थ्री फोर टर्म्स क्वाड्रिनोमियल, थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल। तो ये कुछ बेसिक्स पर क्वेश्चंस थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय।